इस वीडियो में बच्चों मैं आपको कन्वेक्शन के बारे में बताऊंगा, जो कि कंडक्शन के बाद दूसरा मोड है हीट ट्रांसफ़र का। तो कन्वेक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि आप यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को लेके अपनी जगह छोड़ के चलते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। कंडक्शन से अगर आप इसको रिलेट करो तो कंडक्शन में मॉलिक्यूल अपनी जगह नहीं छोड़ते थे, वो अपनी जगह के टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते थे और हीट को ट्रांसफ़र करते थे। यहाँ पे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स अपनी जगह छोड़ देते हैं और फिर हीट को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात कि लिक्विड्स और गैसेस में हीट जो है वो कन्वेक्शन से ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है और कुछ हीट का पार्ट कंडक्शन से ट्रांसफ़र होता है। मेजॉरिटी ऑफ द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस, बिकॉज उसके अंदर डेंसिटी कम होती है और कंडक्शन के लिए डेंसिटी ज़्यादा चाहिए होती है। और क्योंकि डेंसिटी कम है तो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए कन्वेक्शन यहाँ पर डोमिनेट करता है। अर्थ की ग्रेविटी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कन्वेक्शन में, और विदाउट ग्रेविटी कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे आप जब पानी को बॉईल करते हो तो पानी के बेस जो वेसल है उसके बेस में जो पानी है वो पहले गर्म होता है, और क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, और जो हैवी वाटर है मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जो पानी ऊपर है ठंडा, वो नीचे आता है, तो वो ग्रेविटी की वजह से ही नीचे आता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब पानी या कोई भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हीट को लेके अपने आप चलते हैं ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, देन इट इज़ नोन एज नेचुरल कन्वेक्शन। जैसे पानी उबलता है तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से गर्म पानी ऊपर जाता है और ठंडा पानी नीचे आता है, तो दिस इज़ नोन एज नेचुरल कन्वेक्शन। पर अगर आपने देखा होगा कि माइक्रोवेव ओवंस में एक स्विच होता है जिसमें लिखा होता है कन्वेक्शन, तो आप अगर उस स्विच को प्रेस करोगे तो उसके अंदर एक ब्लोअर चल जाता है। वो ब्लोअर क्या करता है कि हीट को फ्लो कराता है थ्रू विंड, उसके अंदर हवा एक चला देगा, सर्कुलेट कर देगा, जो गर्म हवा सर्कुलेट होगी तो हीट सर्कुलेट होती है और कुकिंग यूनिफॉर्मली होती है जो भी अंदर चीज़ कुक हो रही है। तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि ब्लोअर के थ्रू या किसी फोर्स्ड चीज़ के थ्रू हम एयर को ब्लो करा देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये फोर्स कन्वेक्शन कहलाता है। और जब नेचुरली चलता है तो नेचुरली नेचुरल कन्वेक्शन कहलाता है, जिसका एग्जांपल भी बॉइलिंग वाटर होता है। तो कन्वेक्शन ITJEE के सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है और इसका एनालिटिकल एनालिसिस तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी न्यूमेरिकल्स इस पर नहीं आते, ना ही इसका कोई फार्मूला जो है IIT या ओलंपियाड के लिए है। तो आपको बस कन्वेक्शन के बारे में इतना जानना था। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।